हाय, वेलकम टू द चैनल रूट मैप एक्सप्लोरर। ये सेम रोड ट्रिप है जो 6000 किलोमीटर की है और ये एपिसोड फिफ्थ है जहाँ पे मैंने पुणे से स्टार्ट किया था और पहला हॉल सिटी में लिया, सेकंड मैंने नागपुर में लिया, थर्ड रीवा में लिया, फोर्थ में मैं रीच हुआ था अपने होम टाउन मुजफ्फरपुर पहुँचा था मैं। मैं बिहार का और रहने वाला हूँ तो मैं हर साल कोशिश करता हूँ जहाँ भी रहूँ वर्ल्ड वाइड हमेशा इस समय घर जरूर हूँ। तो हम पहुँचे थे बेसिकली अपने फैमिली के साथ छठ पूजा मनाने को और छठ की तैयारी चल रही है और आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम बिहार में छठ पूजा को सेलिब्रेट करते हैं, पूरी फैमिली एक साथ आती है और क्या बेसिकली इस पूजा का इम्पोर्टेंस है। हम ऑलरेडी रीच हुए थे इस टाइम में, बहुत अलग ही एक फेस्टिवल की माहौल होती है पूरे टाउन में, काफ़ी बिजी होता है, सभी लोग आते हैं जो भी बाहर से रहते हैं, जो भी आ सकते हैं। देखा जाए तो बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध आपका बोध गया है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला था, वी हैव नालंदा यूनिवर्सिटी आल्सो। यहाँ से कुछ नोटेबल किंग्स भी हुए जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोका द ग्रेट थे, श्री गुप्ता डायनेस्टी थी, ये सब बिहार से ही रूल करते थे पहले। ऐसे तो छठ पूजा क्लोज टू 5 डेज की होती है लेकिन जो मेन पूजा होता है वो शाम में अर्घ और मॉर्निंग में अर्घ से होती है। ये जो अभी आप देख रहे हो ये घाट है जो लोकल पॉन्ड्स है या रिवर्स को सजाया जाता है जहाँ की लोग जाते हैं और शाम की अर्घ की पूजा करते हैं और सवेरे उगते हुए सूरज की आराधना करते हैं और उसके साथ ही फिर छठ पूजा की समापन होती है। अभी ये शाम के पूजा के बाद की सजावट है जो लोकल पॉइंट है जो मेरे घर से कुछ नज़दीक कुछ क्लोज टू 2 किलोमीटर्स पे है, उसका ये आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। आप देखोगे कि सभी साइड में फैमिलीज अपने छठ पूजा के क्या सजावट का स्पेस लिए हुए और अब पूजा कर रहे हैं। आप ये जो अभी देख रहे होंगे साइड्स में, इसको अर्घ बोला जाता है जो कि बेसिकली एक जो दलिया होता है उसको सजाया जाता है। अपने हिसाब से लोग सजाते हैं लेकिन कोशिश करते हैं कि फ्रूट्स और जो बेसिकली ठेकुआ बोला जाता है हमारे लोकल लैंग्वेज में, वो आटे की बनती है, उसको बनाया जाता है इस पूजा में और जो फास्ट करते हुए बेसिकली वही फैमिलीज के वो ज़्यादा बनाते हैं। और इसके बाद इसकी यही एक प्रसाद होता है जो कि हम भगवान सूर्य की आराधना में उनको समर्पित करते हैं और उसके बाद पूजा होने के बाद फिर हम आपस में इसको बांटते भी और एज ए प्रसाद खाते भी हैं। ऐसे तो आजकल जब जो भी बिहार के रहने वाले जहाँ भी रहते हैं अगर वो घर नहीं आ पाते तो हर स्टेट में आजकल ये बिहार का पर्व छठ पूजा मनाया जाता है। बॉम्बे में तो काफ़ी बिहार मनाया जाता है, दिल्ली में होता है, मैं जब अलग स्टेट्स में रहता था चंडीगढ़ में था तब भी मनाता था, आज जब मैं महाराष्ट्र में हूँ तो भी वहाँ भी मनाया जाता है, लोग जो हर जगह अब मनाते हैं क्योंकि हर फैमिली वापस घर तो नहीं आ पाती, हर के चैलेंजेस अलग होते हैं तो आज लोग सभी जगह मनाने लगे। इवन जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं, मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो लोग भी वहाँ सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उनका पॉसिबिलिटी तो नहीं होता है कि उतने दूर से कोई भी कैसे हर बार आ पाएगा। कोई भी फेस्टिवल सीजन होता है तो उसका एक अलग अपना ही मज़ा होते हैं, घर के बच्चे खूब मस्ती करते हैं और उनके लिए तो ये एक छुट्टी का जैसा होता है, कभी स्कूल जाने की कोई टेंशन नहीं, किसी चीज़ की कोई टेंशन, बल्कि घर की फैमिली बड़े जो होते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, सब एक दूसरे से मिलते हैं, मस्ती करते हैं और काफ़ी दिनों मतलब एक साल में एक बार पूरी गेट टुगेदर होती है। आप देख ही सकते हैं कैसा माहौल है यहाँ पे, घर की माहौल तो एक अलग होती है, ये तो खैर घाट की माहौल है,
घर पे लोग सब मिलके पूजा की प्रिपरेशन करते हैं, सब एक दूसरे को देखते हैं, बातें करते हैं, और फिर जब वो सब तैयार हो जाती है पूजा के पश्चात तो फिर सब यहाँ पे टाइम पे आ जाते हैं। ये अर्ली कुछ 4 o'clock मॉर्निंग का वीडियो मैंने लिया था, क्योंकि उस टाइम का वीडियो लेना अलाउड था, बाद में क्या होता है बहुत रश हो जाता है तो आप वीडियो नहीं ले पा सकते हैं। और इसके बाद जब पूजा समापन होता है तो आप सभी लोग अपना पूजा आरक दे के घर को वापस जाते हैं। ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ था कि आप लोगों को भी रूबरू कराऊँ कि आगे छठ पूजा होता क्या है, इसमें बाकी हम लोग क्या करते, कैसे पूजा करते। आपने सुना तो होगा ही कभी न कभी कि बिहार का छठ पूजा काफ़ी बड़ा, इसलिए मैंने सोचा ये एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए बनाऊँ। हम लोग ने भी इतनी लंबी जर्नी इसलिए की थी कि छठ पूजा हम लोग को अटेंड करना था, और मेरे छोटे वाले बेटे की मुंडन थी जो कि हम लोग प्रीफर करते हैं जहाँ पे आप रहते हो वहाँ करनी चाहिए, और छठ पूजा तो खैर कोशिश रहती है हर साल हम घर आए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो और लाइक करो, और कमेंट्स में बताओ कि और क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, कहाँ आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।